नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। माकपा नेता सुभाष मुंडा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी बबलू पासवान को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए बबलू पासवान को सुपारी दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब सबसे एक साथ पूछताछ करने की तैयारी में है। 26 जुलाई की रात को बाइक सवार अपराधियों ने सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड के पीछे जमीन विवाद का मामला सामने आया था। इसके बाद से रांची पुलिस सतर्क है और जमीन कारोबारियों पर कड़ी नज़र रख रही है। संभावना है कि इस जमीन विवाद में कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। पूछताछ के दौरान कई खुलासे संभव हैं। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया था कि माकपा नेता सुभाष मुंडा का छोटू खलखो के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दलदली मौजा स्थित 119 डिसमिल जमीन पर सुभाष मुंडा अपनी दावेदारी पेश कर रहा था। इससे पहले भी 90 डिसमिल के प्लॉट पर सुभाष ने अड़ंगा डाला था, जिसके बाद छोटू को उसे औने पौने दाम में बेचना पड़ा था। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।